नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से प्रवीण मिश्रा की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। एसएसबी भिंगा मुख्यालय के 62वीं वाहिनी द्वारा चलाया जा रहा 3 दिवसीय लघु सामाजिक चेतना अभियान का हुआ समापन। एसएसबी 62वीं वाहिनी भिंगा की डी कंपनी भैसाई नाका की ओर से जूनियर हाई स्कूल सिरसिया में 3 दिवसीय लघु सामाजिक चेतना अभियान चलाया गया। इसका शुक्रवार को समापन हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित इस कार्यक्रम में बेटियों को पढ़ाने व उन्हें आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान देने की बात कही गई। कमांडेंट सीएस तोमर ने कहा कि एसएसबी की ओर से चलाए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती व दूरदराज क्षेत्र के ग्रामीणों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छ भारत मिशन सहित केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देना है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लोगों को जागरूक करना है। इस दौरान स्वापक नियंत्रक ब्यूरो लखनऊ की टीम ने नशीली दवाओं से मुक्ति के लिए लोगों को जानकारी दी। मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए सूचना प्रशिक्षित किया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति लोगों को जागरूक किया। कलाकारों ने बालिका शिक्षा व महिला सशक्तिकरण पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस मौके पर निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया गया। इसमें लोगों ने के साथ साथ ही पशुओं का भी इलाज कर दवाएं दी गई। समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं प्रतिभागियों को कमांडेंट ने पुरस्कृत भी किया। इस मौके पर उप कमांडेंट ज्ञानेंद्र कुमार, सहायक कमांडेंट संचार दीपक कुमार, जूनियर हाई स्कूल सिरसिया के प्रधानाचार्य सहित काफी संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। आप देख रहे थे लोकल खबरें उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले। आप लोगों को पता ही है कि एसएसबी जो है अपना जो टास्क है, जो उनको जो है मूलतः जो टास्क मिला हुआ है वो सीमा की सुरक्षा करना, सीमा के ऊपर अपराधों को रोकना है। लेकिन इसके अलावा भी एसएसबी जो है पूरे सीमा क्षेत्र में और उससे लगे हुए आसपास के जो अंदर वाले भी इलाके हैं वहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा योगदान देती है। मान लीजिए एक उदाहरण अगर मैं लूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे पिछले साल में हम लोगों ने कई ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, स्वच्छता के बारे में जवानों ने खुद सड़कों पर उतर के जो है स्वच्छता अभियान चलाए, और इसके अलावा जो है बच्चों का पोलियो से संबंधित, मैं आपको एक अगर आप थोड़ा सा पीछे देखें तो अलग ये टीके लगे हैं। हर महीने हम लोग जो है जानवरों के लिए और अपने लोगों के लिए जो है ये निःशुल्क जो है चिकित्सा शिविर भी लगाते हैं। और इसके अलावा जो है जब भी एक जो हमारा बड़ा प्रोग्राम होता है तो उसमें जो है ये इस तरह के जो है कई जो है ऐसे आवश्यक सामान जो है लोगों को जो कि किसी स्कूल को या किसी संस्था को चाहिए होते हैं उस तरह के हम वो भी देते हैं। और इसके अलावा जो है अगर कहीं कोई आग लग जाए, पिछले साल एक महिला ने नदी में राप्ती नदी में कूद के नाम लेना तो उचित नहीं होगा अपना आत्महत्या करने का प्रयास किया था। हमारे 2 लड़के जो है अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसमें कूदे, उन्होंने उसको बचाया। तो ऐसा ही नहीं है कि बॉर्डर पे केवल जो है बॉर्डर की एक लिमिटेड जो है टास्क है उसी को हम परफॉर्म करते हैं, इसके अलावा भी यथासंभव जो है लोगों की मदद करना भी है। बॉर्डर पे जो है आपके जो जवान हैं तैनात हैं उन्हें देख रहे हैं कि इधर जो है बारिश का जो महीना होता है और क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब होने के कारण उनको बड़ी तकलीफ होती है, इसके लिए जो है आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए ये इस पे मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो शासन है हमारे जो उच्चाधिकारी हैं वो इस तरफ प्रयासरत हैं और इस पे अभी भी यानी कि इन दिनों भी काफ़ी गंभीर प्रयास चल रहे हैं।